आज मैं लाया हूँ पांच ऐसा इडियम्स और फ्रेजेस जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या इंग्लिश बोलने की। दोनों सूरत में ये इडियम्स और फ्रेजेस आपको सीखना ही पड़ेगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्ड है एट रैंडम, जिसका मतलब होता है यूं ही। जैसे अगर आपको कहना हो कि मैं कोई काम यूं ही नहीं करता, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई डोंट डू एनी वर्क एट रैंडम, यानी मैं कोई काम यूं ही नहीं करता। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी आपको कहना हो यूं ही, तो आप कहेंगे एट रैंडम। जैसे अगर आपको कहना हो कि विद्वान लोग यानी पढ़े लिखे लोग कोई काम यूं ही नहीं करते, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वाइज मैन नेवर वर्क एट रैंडम, यानी विद्वान लोग कोई काम यूं ही नहीं करते। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी आपको कहना हो यूं ही, तो आप कहेंगे एट रैंडम। एट स्टेक का मतलब होता है दाव पर लगना। जैसे अगर आपको कहना हो कि कॉलेज में मेरी इज्जत दाव पर लगी है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे माई ऑनर इज एट स्टेक इन द कॉलेज, यानी कॉलेज में मेरी इज्जत दाव पर लगी है। अगर आपको कहना हो कि उसकी इज्जत दाव पर लगी है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हिज ऑनर इज एट स्टेक, यानी उसकी ऑनर उसकी इज्जत दाव पर लगी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को समझा कि एट स्टेक का मतलब होता है दाव पर लगना, बिहाइंड द सीन्स यानी गुप्त रूप से या चोरी से। जैसे अगर आपको कहना हो सीजर की हत्या की योजना गुप्त रूप से बनाई गई या चोरी छिपे बनाई गई, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सीजर्स मर्डर वॉज प्लान बिहाइंड द सीन्स, यानी सीजर की हत्या का योजना गुप्त रूप से बनाई गई। अगर आपको कहना हो कि ये सुरंग गुप्त रूप से बनाया गया है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस केव हैज बीन बिल्ट बिहाइंड द सीन्स, यानी यह गुफा गुप्त रूप से बनाई गई है या चोरी छिपे बनाई गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को समझा कि बिहाइंड द सीन्स का मतलब होता है गुप्त रूप से या चोरी छिपे। बाय नो मीन्स का मतलब होता है किसी सूरत में नहीं। जैसे अगर आपको कहना हो वह किसी सूरत में इसे नहीं मानेगा या इसे स्वीकार नहीं करेगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही विल बाय नो मीन एक्सेप्ट दिस, यानी किसी सूरत में वह इस बात को नहीं मानेगा या इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप किसी सूरत में यह नहीं कर सकते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू कैन बाय नो मीन्स डू दिस, यानी आप किसी भी सूरत में इसे नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सीखा कि बाय नो मीन्स किसी भी सूरत में नहीं, और आमतौर पर यह वर्ड हेल्पिंग वर्ब के बाद या मेन वर्ब के पहले आता है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है कि दिनों रात तरक्की करना, यानी दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करना। जैसे अगर आपको कहना हो मेरा कॉलेज दिन रात तरक्की कर रहा है या दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे My college is progressing by leaps and bounds, यानी मेरा कॉलेज दिनों रात तरक्की कर रहा है, दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। अगर आपको कहना हो कि वह दिन दुगुनी रात चौगुनी कामयाबी पा रहा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे He is getting success by leaps and bounds, यानी वो दिनों रात कामयाबी पा रहा है या दिन दुगुनी रात चौगुनी कामयाबी पा रहा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी इडियम्स और फ्रेजेस शानदार तरीके से समझ में आया। यहाँ मैं बता दूं कि ऐसे हजारों इडियम्स और फ्रेजेस जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए बाय।